Hello and welcome to the course of HR Analytics Dashboard using Power BI. इस प्रोजेक्ट में हम HR Analytics Dashboard बनाने वाले हैं Power BI की हेल्प से। तो इस डैशबोर्ड में आपको दो पेजेस दिख जाएंगे। फर्स्ट पेज पे आपको डेमोग्राफिक्स डेटा मिल जाएगा किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज का, और सेकेंड पेज पे आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स। तो किसी भी कंपनी के एचआर टीम के लिए एम्प्लॉय डिटेल्स और कंपनी में एम्प्लॉइज का क्या डेमोग्राफिक है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल टू मेल रेशियो क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कौन से रेस से इम्प्लॉयज ज्यादा आ रहे हैं, ये जो डेटा है ये किसी यूएस की कंपनी का है इसलिए यहाँ पे आपको रेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। रिक्रूटमेंट सोर्स क्या है, किस साइट से हमने ज्यादा इम्प्लॉय हायर किया है, टर्मिनेशन रीजंस क्या है इम्प्लॉयज के कंपनी छोड़ के जाने का, सबसे ज्यादा रीजन है अनदर पोजीशन, मतलब कि किसी एम्प्लॉय को अगर दूसरा पोजीशन, दूसरी अच्छी पोजीशन मिल जाती है, नई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सो वो कंपनी में रेजिग्नेशन डाल देता है। उसी तरह से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिख जाएगा, इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि कितने एम्प्लॉयज को निकाला गया है और कितने एम्प्लॉयज खुद निकले हैं। सो यहाँ पे जो वॉलंटरली टर्मिनेटेड है ये इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉय खुद छोड़ के गए हैं, और टर्मिनेशन फॉर कॉज मतलब वो एम्प्लॉयज जिनको कंपनी ने निकाला है। तो उसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि उनका अटेंडेंस कम हो, वो कंपनी को ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हो, या तो वर्क आवर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो इस तरह के कुछ पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारे रीजंस आपको एज अ बार चार्ट आपको मिल जाएगा। तो यही डैशबोर्ड हम बनाएंगे। सेकेंड पेज पे क्या है, सेकेंड पेज पे एम्प्लॉय डिटेल्स है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे नेम आ जाएंगे उनके, और आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस पर्सन का जो भी डेटा रहेगा, जैसे एम्प्लॉय नेम, पोजिशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस स्कोर, सैलरी और मैनेजर नेम, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉय की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यही डैशबोर्ड हम इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले डेटा को इम्पोर्ट करेंगे गेट डेटा। जो हमारा डेटा है वो CSV फाइल में है, सो टेक्स्ट एंड CSV, सो HR डेटा सेट, ये ही है डेटा जो हमें लोड करना है। सो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन ओपन। इसके बाद हम करेंगे, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हैं या तो फिर लोड डेटा। सो लोड, आप यहां से डेटा व्यू में से डेटा को चेक कर सकते हो कि आपका डेटा कैसा दिखता है, कौन कौन से कॉलम नेम्स हैं उसमें, और जो भी आपको, जिस पे भी आपको चार्ट बनाने हैं, जिस पे भी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कॉलम पे आपको दिखाना है उसे। नेक्स्ट हम पहले क्रिएट करेंगे सेकेंड पेज, और उसके बाद दोनों पेजेस के लिए बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप या तो कस्टमाइज कोई इमेज बना सकते हो या तो फिर सिर्फ कलर चेंज कर सकते हो उसका बैकग्राउंड का। तो मैंने एक कस्टमाइज इमेज बनाया है ताकि हम डैशबोर्ड को थोड़ा और प्रोफेशनल लुक दे सकें। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड मिल जाएगा। कैनवस बैकग्राउंड में यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको कोई इमेज सेट करनी है तो इमेज सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी ब्राउज, और उसके बाद मैंने पहले से यहाँ पे सेव करके रखा है दोनों अपने बैकग्राउंड इमेज, दोनों डैशबोर्ड के पेजेस के लिए। सो ये है पहले वाले के लिए, बीजी इमेज एंड देन ओपन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो इसे हमें पहले 0% करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना इमेज दिखेगा। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा इमेज जैसा हमने सेव किया था वैसा नहीं दिखता है डैशबोर्ड पे, बिकॉज आपने उसे फिट नहीं किया है सही से। तो यहाँ पे आपको इमेज फिट का ऑप्शन मिलेगा। सो नॉर्मल की जगह आपको यहाँ पे करना है फिट, जिससे कि आपका जो इमेज है वो जिस जिस भी साइज में आपने क्रिएट किया है उसी साइज में आपके डैशबोर्ड में वो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पेज टू के लिए ब्राउज एंड देन एम्प्लॉय डिटेल्स ओपन, ट्रांसपेरेंसी 0 एंड इमेज फिट में हम नॉर्मल की जगह इसे फिट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये हो गया हमारा एनालिटिक्स के लिए जो कि डेमोग्राफिक्स का डेटा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे।
सबसे पहले फर्स्ट पेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्लाइसर लगाएंगे जो कि डिपार्टमेंट कॉलम पे रहेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ से स्लाइसर ऐड करेंगे और फिर इसमें हम यहाँ पे फील्ड्स डालना है, तो फील्ड हम डिपार्टमेंट पे फिल्टर लगाना है हमें, तो हम डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो डिपार्टमेंट पे स्लाइसर ऐड हो गया, फिल्टर्स ऐड हो गया है। यहाँ से आप क्लिक करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी ये स्लाइसर चेक बॉक्स के फॉर्म में, यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करके किसी भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें इसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में चाहिए। सो इसे कस्टमाइज करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल से एंड देन स्लाइसर सेटिंग्स, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन। तो ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में हो गया। अब हम इसे और कस्टमाइज करेंगे जिससे कि ये जो डैशबोर्ड है ये बैकग्राउंड से मैच हो। नेक्स्ट हम स्लाइसर हेडर चेंज करेंगे। सो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी के लिए डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। इसके बाद अगर आपको चेंज करना होगा तो आप वो स्टाइलिंग बाद में भी हम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज लेकिन हम चेंज कर लेते हैं अभी, फॉन्ट साइज हम रखेंगे 22। फॉन्ट कलर ब्लैक सही है। बॉर्डर अगर आपको चेंज करना है तो आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जैसा भी आपको रखना है। यहाँ से वैल्यूज का फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, सो वैल्यूज का मैं फॉन्ट साइज रखूंगी 17। फॉन्ट कलर हम इसका रखेंगे व्हाइट एंड देन पैडिंग वुड बी 8। बैकग्राउंड का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, सो बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से मोर कलर्स में चेंज करूंगी। यहाँ सब डायरेक्टली जो भी आपको कलर पसंद हो, तो बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करती हूँ। ओके फिर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको स्लाइसर का भी बैकग्राउंड दिख रहा होगा जो कि व्हाइट में है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जनरल में आओगे देन इफेक्ट्स और फिर बैकग्राउंड ऑफ, तो इससे ये इसका बैकग्राउंड ऑफ हो गया। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मेल टू फीमेल डोनर चार्ट। सो डोनर चार्ट को पहले यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे डोनर चार्ट, देन इसके बाद हमें फील्ड सेट करनी है। सो लेजेंड में हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्स करके कॉलम मिल रहा होगा, तो इसमें मेल और फीमेल का जो भी वैल्यू है वो है। और इसके बाद हमें एम्प्लॉय आईडी का काउंट चाहिए, बिकॉज हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल है एंड कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फीमेल है। सो हम एम्प्लॉय आईडी को यूज करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, और इसको हम वैल्यूज में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी हो गया, और अब हम इसको यहाँ पे डैशबोर्ड में फिट कर देते हैं। देन इसके लेजेंड को हम टॉप लेफ्ट में कर देंगे। टेक्स्ट की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। टाइटल अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल हटा दिया। यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हम इसका बैकग्राउंड ऑफ कर सकते हैं, इफेक्ट्स एंड देन बैकग्राउंड ऑफ। टाइटल मैं इसका चेंज करूंगी, टाइटल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम मैरिटल स्टेटस के लिए एक पाई चार्ट ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपको पाई चार्ट मिल जाएगा, देन पाई चार्ट में हमें मैरिटल स्टेटस चाहिए। सो मैरिटल स्टेटस डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेजेंड, और फिर सेम एम्प्लॉय आईडी का काउंट हमें चाहिए। सो ये मिल गया हमें मैरिटल स्टेटस, जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उनका मैरिटल स्टेटस हमें यहाँ से मिल जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम ऑफ कर देंगे। आप यहाँ से कलर चेंजेस, आप यहाँ से हर एक लेजेंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। लेजेंड आपको जहां भी रखना है आप वहां रख सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ, डिटेल लेबल्स को हम यहाँ से ऑन कर देंगे। इसका टाइटल हम चेंज करेंगे मैरिटल स्टेटस। ओके नेक्स्ट हम बार चार्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस
एक्स एक्सिस पे जाएगा, एम्प्लॉइज का काउंट जाएगा वाई एक्सिस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें तीन मिले हैं, एक्टिव जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, वॉलंटरली टर्मिनेटेड और टर्मिनेटेड फॉर कॉज। तो हमें एक्टिव एम्प्लॉयज का काउंट नहीं चाहिए, सो हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से एक्सक्लूड करके, राइट क्लिक करेंगे एंड देन एक्सक्लूड, तो इससे ये एक्सक्लूड हो जाएगा हमारे बार चार्ट में से। देन इसका हम बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। Effects and then off. Title इसका चेंज करेंगे Employment Status. Next हम add करेंगे horizontal bar chart. यहाँ पे आप देख सकते हो stacked bar chart आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इसमें हम क्या add करेंगे Termination Reason. तो bar chart एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी categorical data को दिखाने के लिए, उसी तरह से पाई चार्ट, उसी तरह से डोनट चार्ट। फिर कॉलम के लिए आप चार्ट बनाने जा रहे हैं, तो उस कॉलम के लिए बेस्ट जो चार्ट रहेगा आप उसी से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे कैटेगोरिकल डेटा है वो हम तीन से चार तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोनट चार्ट मोस्टली यूज होता है जेंडर्स के लिए, मैरिटल स्टेटस के लिए ज्यादातर यूज होता है या तो डोनट चार्ट या तो फिर पाई चार्ट। सो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है मैरिटल स्टेटस का वो बहुत ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट किया। देन हमें कंपेयर करना था वॉलेंटरली टर्मिनेटेड और टर्मिनेशन फॉर कॉज को कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। सो उसके लिए हमने यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट किया, तो बार चार्ट की वजह से हमें यहाँ पे हमें डिफरेंस तुरंत पता चल जा रहा है। मैरिटल स्टेटस और जेंडर ये दोनों हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए था, तो हमने यहाँ पे पाई चार्ट और डोनर चार्ट के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट इज टर्मिनेशन रीजन। सो टर्मिनेशन रीजन में भी हमें एम्प्लॉयज के काउंट को कंपेयर करना है, सो हम यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे जो टर्मिनेशन रीजन वो बहुत ज्यादा है, सो इसके लिए हम इसे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको माइंड में रखना है जब भी आप किसी भी कॉलम पे चार्ट बनाने जाए, तो आपको ये माइंड पे रखना है कि यूजर को वो देखने में कैसा लगेगा, क्योंकि आप डैशबोर्ड अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आप डैशबोर्ड जो बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए बना रहे हैं। सो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको डैशबोर्ड बनाना है और कलर कॉम्बिनेशन को रखना है। सो टर्मिनेशन रीजन में आपको यहाँ पे टर्म रीजन करके कॉलम मिल जाएगा जो कि जाएगा वाई एक्सिस पे, एंड देन काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी जाएगा एक्स एक्सिस पे। सो यहाँ पे स्टिल एम्प्लॉयड में आप देख सकते हो कि डेटा बहुत ज्यादा है, तो हमें ये डेटा नहीं चाहिए, सो हम इसको रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक एंड देन एक्सक्लूड। सो अब इसको हम और कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इफेक्ट्स, देन टाइटल चेंज करेंगे, सो दिस विल बी टर्मिनेशन रीजन। यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी की जगह अगर सिर्फ काउंट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए या फिर एम्प्लॉय काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे फील वाले ऑप्शन से राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम फॉर दिस विजुअल। सो हम इसे कर देंगे एम्प्लॉय काउंट। सिमिलरली आप इस चार्ट के लिए भी कर सकते हैं, सो दिस विल बी एम्प्लॉय काउंट। तो यहाँ पे चेंज हो गया जो डेटा था। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे पाई चार्ट रेस के लिए। सो लेजेंड में हमारा रेस डिस्क्रिप्शन चला जाएगा और वैल्यूज में हमारा कंपनी के एम्प्लॉयज का काउंट। नाउ इसका बैकग्राउंड हम ऑफ कर देते हैं और टाइटल चेंज कर देते हैं रेस। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे फनल चार्ट फॉर द रिक्रूटमेंट सोर्स, मतलब किस किस सोर्स से कितने एम्प्लॉयज हायर हुए हैं। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सोर्स हमारा कैटेगरी हो जाएगा और एम्प्लॉय काउंट वैल्यूज। आप यहां से जो भी डेटा आपको नहीं देखना है डैशबोर्ड में आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वन ही एम्प्लॉय है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड दिस अदर ऑल्सो इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, दैट्स इट। एंड देन इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एंड देन टाइटल रिक्रूटमेंट सोर्स।
सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडीड से कितने एम्प्लॉय काउंट, कितने एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लिंक्डइन से कितने हायर हुए हैं, गूगल सर्च से कितने हायर हुए हैं, किसी एम्प्लॉय के रेफरेंस से कितने हायर हुए हैं। नाउ अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। सो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ व्यू में जाएंगे और व्यू में आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड इमेज और डेटा। ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे थीम्स में, आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे। तो इसमें से फ्रंटियर करके एक थीम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम एम्प्लॉय डिटेल्स का डैशबोर्ड कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फिल्टर लगाएंगे डिपार्टमेंट के लिए। सो जिस तरह से हमने पिछले डैशबोर्ड में किया था उसी तरह से हम सेम स्लाइसर ऐड करेंगे और इसमें हम फिल्टर लगाएंगे डिपार्टमेंट का। सो डिपार्टमेंट यहाँ फील्ड में आ जाएगा। देन हम इसको चेंज करेंगे, इसके स्लाइसर सेटिंग्स में जाके इसको हम ड्रॉप डाउन बना देंगे एंड देन इसमें इसे फिट कर देंगे और इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। दैट्स इट। अब इसके जो बैकग्राउंड है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा इसके कलर को। सो सेम कलर हम रखेंगे, यहाँ वैल्यूज में जाएंगे एंड देन बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हम कलर चूज करेंगे। यहाँ रिसेंट कलर्स में हमारा आ चुका है, सो यहाँ पे कलर्स, और इसका टेक्स्ट हम वाइट कर देते हैं। फॉन्ट साइज को आपको चेंज करना है तो फॉन्ट साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम टाइटल का भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी हेडर्स का। सो हेडर्स का हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट स्लाइसर हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय नेम्स के लिए। सो यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम्स के लिए हो जाएगा और ये रहा एम्प्लॉय नेम। सो अब हम जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉय नेम फिल्टर हो जाएगा। अब एम्प्लॉय नेम को सर्च करने के लिए अब हमें ड्रॉप डाउन ये जो है इसमें हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट हमें इसमें ऐसा चाहिए कुछ कि हम लिखें, मतलब कुछ स्टार्टिंग टर्म्स लिखें और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो फिल्टर हो जाए। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में जाके यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिससे कि आप सर्च कर सकते हो। देन जनरल में आप फैक्ट्स में एंड देन बैकग्राउंड ऑफ, देन विजुअल्स में देन बैकग्राउंड, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मोर कलर्स एंड देन सी। ये जो बैकग्राउंड का कलर है, जो हमारा बैकग्राउंड का ये वाला कलर है, हम इसी को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यूज का जो बैकग्राउंड है इसको ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसके बैकग्राउंड को मैच करने के लिए सेम बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। सो सी ई एफ जीरो ई ए। सो ये एम्प्लॉय नेम्स हो गया। इसके बाद हम एम्प्लॉय के डिटेल्स को ऐड करेंगे और डिटेल्स को ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कार्ड। सो यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो कार्ड ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम कार्ड ऐड करेंगे एम्प्लॉय नेम के लिए। सो कार्ड एम्प्लॉय नेम और उसके फॉन्ट साइज को हम डिक्रीज कर देंगे। अगर कैटेगरी लेबल आपको रखना है तो आप रख सकते हो या तो ऑफ कर दीजिए। देन हमें टाइटल चाहिए होगा, टाइटल ऑन कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल हो जाएगा एम्प्लॉय नेम, बैकग्राउंड ऑफ, और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम। सिमिलरली इसी तरीके से आपको जितने और इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज का उसके लिए कार्ड बनाना पड़ेगा। है पोजिशन, सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम की जगह पोजीशन ऐड करेंगे। देन सेम फॉर द जेंडर, इसे रिमूव करेंगे एंड देन इन सबके टाइटल को आप चेंज कर दीजिएगा। सो इन सबके टाइटल को चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा जेंडर। इसी तरह से इसका हो जाएगा पोजीशन और यू कैन आल्सो से डेजिग्नेशन। सो ये होगा जेंडर के लिए।
सो मैरिटल स्टेटस, आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, जितने भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के हो सकते हैं जो कि जरूरी है आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ. आफ्टर दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग डेट. सो डेट ऑफ हायर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज आफ्टर देन. मैनेजर नेम, हियर वी हैव द सैलरी. सो सैलरी यहां से मिल जाएगा और लास्ट में रहेगा परफॉर्मेंस. सो परफॉर्मेंस स्कोर. इसके बाद सबका टाइटल चेंज कर देते हैं. नाउ पेज में नेविगेट करने के लिए एक तो आप यहां से नेविगेट कर सकते हो पेज वन एंड देन पेज टू, और इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम यहीं पे एक नेविगेशन के लिए बटन लगा सकते हैं. सो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा और शेप्स भी मिल जाएंगे. तो शेप्स में हम राइट एरो यहाँ पे यूज करेंगे. तो आप इसके लोकेशन को कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ही रख दिए. तो जहां पे भी रखोगे आप सेम लोकेशन पे इधर भी रखना पड़ेगा. सो मैं क्या करूंगी कि इसको थोड़ा मिडल में रखूंगी यहाँ पे, जैसे कि ये हो जाएगा. एंड देन इसमें हम टाइटल ऐड कर देंगे पेज वन. सो इससे यूजर को पता चल जाएगा कि इस पे क्लिक करने पे पेज वन पे नेविगेट होगा. और सिमिलरली हम पेज वन पे पेज टू के लिए लगा देंगे. नेक्स्ट आपको शेप में यहाँ पे एक्शन मिल जाएगा. तो एक्शन में हम ऑन करेंगे पहले तो, और इसके बाद टाइप क्या करेंगे पेज नेविगेशन. और पेज नेविगेशन में डेस्टिनेशन क्या रखेंगे हम पेज वन. जब आपके पास बहुत सारे पेजेस होते हैं तो ये जो नेविगेशन बटन हम लगाएंगे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है. सो ये पेज वन के लिए नेविगेशन है. यहाँ पे हमने एक्शन ऐड कर दिया है. सेम हम पेज टू के लिए भी करेंगे. तो ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है. अगर आपको पेज टू पे जाना है तो आपको बस कंट्रोल प्रेस किए रहना है और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो हम पेज टू पे पहुंच गए. एंड देन पेज वन पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो द लिंक. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम पेज वन पे पहुंच गए. आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में.